बहुत लोग जो है जो बाहर जाते हैं वो बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा और बेहतर रहेगा, और कुछ पैसा कम भी मिलेगा, अपना फैमिली के साथ रहेगा तो हमको लग रहा है कि अच्छा महसूस करेगा, बाहर जाने से तो अच्छा है। अच्छा, ये जो आप ये कटिंग कर रहे हैं या सिलाई कर रहे हैं, इसका क्या मार्केटिंग है या कैसे आप लोग इसको करते हैं? जैसे मान लीजिए ये जो कपड़ा आप सिलते हैं, ये कहाँ जाता है? यहीं पे बेच देते हैं या बाहर में भी कहीं जाता है? ये तो यहाँ ये सब स्कूल का यूनिफॉर्म बनता है, अच्छा, इधर रांची औरंगाबाद डेहरी सासाराम जो आसपास के मतलब जितना स्कूल है उस हिसाब का ऑर्डर पर ये काम होता है। विशेष रूप से मैंने हाई स्कूल यूनिफॉर्म ही काम होता है। ये जो प्रतिष्ठान है इसमें तो काम करके आप लोग को लगता है ना कि आप अपना रोजगार डेवलप कर ले रहे हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमको मैंने खुशी मिला। हम लोग लॉकडाउन में जैसे आए, लॉकडाउन के बाद जिसे हमारे मित्र लोग ये रवि और कपिल मैंने फैसला किया कि यहीं कारखाना डाला जाए, कि अब दिल्ली जाने से अच्छा है। तो मैंने मैंने पूरा टीम के हमें साथ है जो सपोर्ट से ये खुला कारखाना, और सब टीम ने मैंने साथ दिया और जिसके चलते अब फिर हम लोग बाहर नहीं गए, और इसको अच्छा खासा मैंने 2-4 मशीन के बाद हम लोग इतना आगे बढ़ाए हैं, 15-17 मशीन हो गया अभी। ठीक है, आप काम करिए, हम आपके काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कपिल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कपिल जी से हम बात करेंगे। आगे आ जाइए कपिल जी, आप इधर आइएगा। आप लोग इसमें काम करते थे, क्या बोलते हैं, दिल्ली में एक्सपोर्ट लाइन में काम करते थे, जी सर। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गया, व्यवस्था हो गया कि अब घर पे ही जाना है। इसके बाद आपके मन में जगह कि हम लोग अपने गांव में ही डेवलप करें? हम लोग के मन में ही थोड़ा प्रश्न उठा कि जो काम हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं वो अपना हम लोग पूरा टीम थे, जितने भी 6-7 कारीगर हैं वो हमारी टीम थे। हम लोग के विचार में ये है कि जो भी है थोड़ा पैसा लगा के कुछ जीविका से हेल्प लेके अपना कारखाना डाला जाए और यही काम किया जाए। हम लोग दिमाग में ठान लिए कि चलेगा काहे नहीं चलेगा, जो हम लोग वहाँ कर रहे वही काम यहाँ करेंगे तो क्यों नहीं चलेगा। हम लोग पूरा अपना मेहनत किए और अपने गांव रसूलपुर में ही, बिल्कुल बिल्कुल सर, रसूलपुर में ही डाले और अपना मेहनत के बल पे हम लोग अभी तक सफल हो गए। आपकी जो सफलता है उसको तो हम सैल्यूट करते ही हैं और आपके उत्साह का भी हम वर्धन करते हैं। जैसे गांव में महिलाएं लड़कियां या जो बेरोजगार लड़के हैं उसको आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें और आपको सरकार से या प्रशासन से या अन्य लोगों की सहयोग की अपेक्षा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा उद्देश्य यही है कि साल भर के अंदर में कम से कम 150 लोगों को हम अपना अपने यहाँ काम दें। ये यूनिट छोटा जो है, अगर सरकार से अनुदान मिल जा रहा है हम लोग कुछ बड़ा यूनिट डाल के करेंगे, लेकिन तो नहीं भी मिल रहा है तभी हम हिम्मत नहीं हारेंगे, अपना कोशिश जारी रखेंगे। बिल्कुल सर, अभी जो ये प्रतिष्ठान है इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं आप लोग, किस तरह का वेयर बनाते हैं और किस तरह का ऑर्डर आपको? मार्केटिंग सर ज्यादा तो हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म पर करते हैं और अपना जो है लोअर टी शर्ट और लैगेज इस तरह का बना के अच्छा क्वालिटी में और अपने मार्केट में सेल करते हैं, और दुकानदार को पहले वही करते हैं, ले जाके सैंपल दिखाते हैं, पसंद आता है वही दाम होता है, और सप्ताह सप्ताह हम लोग। दुकानदार को तो बेनिफिट्स इस बात से होता होगा ना, जैसे वो गुजरात से माल लेकर आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं, यहाँ बेचते हैं, तो वहाँ से खरीदारी करना फिर ट्रांसपोर्टिंग देना, और उसे कम खर्चा में अगर उनको यही मिल जाता है तो उनको तो और बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोवर जो है हम लोग दिल्ली से 22 रुपया सस्ता देते हैं। जी, एक लोवर जो है दिल्ली से जितना आता है उसे 22 रुपया सस्ता हम लोग देते हैं। बिल्कुल, उनके लिए तो बेहतर है। बिल्कुल सर, बेहतर है। ये कपिल जी थे और कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात कर लें। बात करेंगे आप, क्या नाम हुआ आपका? शिखा कुमारी। शिखा, जिस तरह से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप कहाँ के रहने वाली हैं और ये काम करके आपको कैसा लग रहा है? रसूलपुर से रहने वाली हूँ। अच्छा, रसूलपुर के ही रहने वाली? हाँ। काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं? हाँ, दोनों करते हैं। आप हमको ये बताइए कि जिस तरह से आप इस मशीन को कुशलता के साथ चला ले रही हैं, एक तो कलाकारी आपके हाथ में हो गया कि आप कभी भूखे नहीं रह सकती हैं, दूसरा चीज हो गया कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, कैसा लगता है अपने ही गांव में स्वरोजगार करके? हमको तो अच्छा लगता है अपने ही गांव में करके, पढ़ भी लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। शिखा, जैसे और लड़कियां जो घर में बैठे हैं उनका टाइम पास नहीं होता है या उनके अंदर लगता है कि कुछ हुनर हमारे हाथों में होता, इस तरह के अवसर पैदा करने के लिए आपको क्या मन में कभी उत्पन्न होता है कि इस तरह के प्रतिष्ठान और डेवलप होने चाहिए या और प्रतिष्ठान लगने चाहिए? जो मतलब मेरे जैसे लड़की है और लोग को मतलब और काम भी चाहिए, करवा सकती, यहाँ पे आ सकती है, जो गरीब लड़की जो है तो काम है तो आ सकती है करने के लिए।
ठीक है, आप अपना काम करिए और ये सीखा, हालांकि शर्मा रही है, हंस भी रही है, लेकिन ये चीजें हैं जो बेहतर है, जिस तरह से रवि और कपिल जी ने मिलकर इस चीज को किया, ये प्रतिष्ठान और भी डेवलप होने चाहिए, ताकि घर में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं या बेरोजगार युवा हैं, जिनको लगता है कि हमको बेहतर हाथ में अगर हुनर हो तो बेहतर कर सकते हैं। आइए कुछ और मास्टर हैं जो कपड़े का कटिंग कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। विनोद मेहता पड़ेगा। विनोद जी, जिस तरह से आप अपने गांव में देखिए, इस तरह के आप एक स्किल डेवलप किया, कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, सिलाई के लिए दे रहे हैं, अपने गांव में इस तरह का रोजगार डेवलप होना कितना आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा बात है कि हर गांव में जो है कि हर जगह हर शहर में हो जाए, हमारा बिहार ऐसे भी तरक्की करेगा। बिहार की तरक्की की बात आप इसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक सहयोग की अपेक्षा होती है, सिर्फ आप अपने बल पे चलते हैं तो आप उतना लार्जेस्ट डेवलप नहीं दे पाते हैं, उसमें सहयोग सरकार या प्रशासन की जरूरत। वो तो सरकार की जरूरत पड़ेगा, सरकार जब सहयोग करेगी तभी आगे आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं करेगी तो फिर मान लीजिए सिर्फ चल रहा है तो चलता ही रहेगा, छोटे दायरे में सीमित रह जाएंगे। इसलिए सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए, लघु उद्योग पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए, छोटा छोटा लघु उद्योग है उसको सहयोग करके और आगे बढ़ाए, तभी बिहार में चाहे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट करेगा, ऐसे नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो सरकार का सहयोग चाहिए चाहिए। अपने गांव में इस तरह के कार्यों को करके कितना कमा लेते हैं आप? कमाई लगभग दाल रोटी चल जाता है। हाँ, दाल रोटी चल जाता है, अपना पर्सनल में घर भी रहता है तो खुशहाल रहता है, हर तरह से रहता है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर में हैं और कम भी कमा रहे हैं तो खुशहाल है। बस वो खुशहाल तो है ही, हालांकि वहाँ से कम नहीं होता है। अच्छा, उससे भी अधिक होता है, वहाँ से कम नहीं होता है, कमाई वहाँ से अच्छा है, क्योंकि आदमी घर पर रहता है, सुकून से रहता है। देहात में क्या है कि हर तरह के वातावरण जो है शुद्ध मिलता है, शहर का वातावरण जो है कि दूषित रहता ही है, इसलिए जो है कि देहात में इस चीज लघु उद्योग हो जाए। बाहर में जब आप जाते हैं तो सबसे बड़ी मानसिक परेशानी रहती है कि आप घर बार छोड़ के नौकरी पे हैं, यहाँ ऐसा नहीं ना टेंशन है, ऐसा तो मान लीजिए गांव में है तो आप डेली घर जा रहे हैं, खेती बाड़ी भी देख रहे हैं, बीवी बच्चे परिवार जो भी है सबका आपको सहयोग के साथ मिल रहा है, खाना पीना जो भी है, यहाँ पर शुद्ध सब्जी भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा शुद्ध, मगर शहर में ये चीज नहीं मिल पाता है। अच्छा, इस प्रतिष्ठान में आप मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं? जी सर। ये चीजें जो है करके मार्केट में आप भेजने का काम करते हैं या सिलाई से इस पे डेस्क पे देना काम करते हैं? पहले तो हम लोग कटिंग